आज की वीडियो में बात करेंगे, आप अपने कोई भी वेबसाइट हो उसे अपने फेवरेट बुकमार्क में कैसे लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल ट्रांसलेट पीएमजी दिशा सीएससी पीएमजे एमपी ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं इतने बुकमार्क में फेवरेट्स में हैं जिन पर मैं हमेशा यूज करता रहता हूँ। तो इनको मैंने यहाँ पर कैसे ले गया हूँ, आप देख सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक छोटा सा सेटिंग्स रहता है उसको यूज करना पड़ता है। तो आप देखिए, आप मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये सभी बुकमार्क ऐसे हैं जिन पर मैं एक यहाँ से क्लिक करूँगा और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें, और इस पर देख सकें, तो आप देख सकते हैं कि ये बुकमार्क को आप अपने क्रोम ब्राउजर में आसानी से सेव कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं ताकि आपको टाइम ना लगे क्योंकि ये टाइपिंग में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप अब जो भी वेबसाइट को अपने बुकमार्क में या फेवरेट वेबसाइट है उसे सेव करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे गूगल पर सर्च कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपीपीएससी ये वेबसाइट है, तो इसको मैं अपने यहाँ पे फेवरेट में लेके आना चाहता हूँ। तो आप तो देख सकते हैं यहाँ पे mbbsc.nic.in है, तो इसको मैं फेवरेट में लेके आना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार दिख रहा है आपको, ये स्टार, इस स्टार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऐड बुकमार्क, इस पर ऐड बुकमार्क पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अब जो भी नाम देना चाहते हैं ये, या तो यही रहने दें जो डिफ़ॉल्ट है या फिर आप अपने हिसाब से कोई नाम देना सकते हैं। तो मैंने यही रखा है अभी और इसको यहाँ पर डन करूँगा। तो आप देखेंगे, तो मैंने डन कर दिया और आप देखेंगे ये बुकमार्क मेरे यहाँ फेवरेट में आ गए क्योंकि अभी इस पर काफ़ी बुकमार्क फेवरेट में है तो ये यहाँ पे हाइड हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपीपीएससी जो अभी बुकमार्क किया अपन ने ये आ गया, देखिए आप। तो चलिए मैं आपको बता दूँ यहाँ फिर से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फेवरेट बुकमार्क में है यहाँ पर एमपीपीएससी और ये इसको क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने भी क्रोम ब्राउजर में अपने फेवरेट जो भी वेबसाइट्स हैं उनको यहाँ पर बुकमार्क में ऊपर सेव कर सकते हैं और इनका यूज आसानी से वन क्लिक में इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।